कानपुर देहात में शासन की गाइडलाइंस के आधार पर पॉलिथीन थर्माकोल प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल न करने का आदेश जारी किया गया था। इस मामले में सभी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों और तहसील स्तर पर उप जिला अधिकारियों सहित विकास खंड के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया कि इसका प्रयोग होने पर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। हाँ सर, मैं जिलाधिकारी कानपुर देहात, कोरोना संक्रमण के इस वैश्विक संकट से बचाव के लिए जिस प्रकार दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसी प्रकार आने वाली पीढ़ियों को किसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग न करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2018 से सभी प्रकार के कप, प्लेट, चम्मच, कैरी बैग, थर्मोकोल्स के कप, प्लेट, चम्मच इत्यादि को प्रतिबंधित किया है। अतः आइए हम सब मिलकर प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को बंद करें और अपने कानपुर देहात को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करें। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 2018 यथा संशोधित 2020 नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों में प्रभावी है। अतः नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के लोग मिलकर प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल न करें, इसे सड़कों पर न फेंकें, जिससे हमारे स्वच्छता के क्षेत्र में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। साथ ही आने वाली पीढ़ियां भयंकर बीमारियों से बचेंगी, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट।